Oh God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो फाइनली मिडिल ईस्ट में ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं जिसके बारे में हम पिछले 10 महीनों से बात करते आए हैं। जी हाँ, हाल में जो मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां खड़ी हो रही उसके ऊपर हम पिछले साल के नवंबर से, नवंबर 2023 से कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर बात करते आए हैं। वहां पर हमने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था नवंबर 2023 में, उसको हमने टाइटल दिया था यूएसए वर्सेस ईरान वाया इसराइल। उसके बाद हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते गए उसके ऊपर हम वीडियोस शेयर करते गए और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि हाल में ये जो परिस्थितियां डेवलप हुई वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुई। ये जो परिस्थितियां हैं वो एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत खड़ी की गई। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, वो चीजें क्या है, उसके ऊपर हमने कई सारे अलग अलग वीडियो बनाए हैं। वो क्या क्या डेवलपमेंट्स ऐसे हुए थे जिसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध होगा और वो भी वाया इसराइल। अब यूएसए और ईरान क्यों कहा उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और साथ ही में जो मिडिल ईस्ट में हाल में डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें कल रात को ईरान ने कई सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए हैं इसराइल की ओर, उसके ऊपर नजर डालेंगे और आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे विजुअल्स हैं और कुछ मैप्स भी हैं, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके जरूर करें ताकि हम लोग इस प्रकार के न्यूज और एनालिसिस आप लोगों के लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कल रात की। तो कल रात को ईरान ने इसराइल कई सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए। अब ये जो अलग अलग रॉकेट्स थे उसके जो विजुअल्स हैं जो आप स्क्रीन पर साइट पर देख रहे होंगे, उसमें टेल अवीव पे कई सारे रॉकेट्स फायर किए गए जो कि इसराइल का कैपिटल है, साथ ही में सदर्न नेगेव में भी कई सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरे हैं, और उसी के साथ कुछ अन्य रीजन्स भी हैं इसराइल के, और उसमें भी खास करके जेरूसलम का जो एरिया है वहां पर भी इरेनियन रॉकेट्स और मिसाइल्स देखे गए। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि इसराइल अब डायरेक्टली ईरान के साथ युद्ध में उतरने वाला है। अभी तक इसराइल जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, उन लोगों के साथ लड़ रहा था। हमास को उन्होंने 7 अक्टूबर से कॉन्स्टेंटली खत्म करना शुरू कर दिया था, और हाल में गाजा की जो कंडीशन है वो तकरीबन समतल हो गया है। हमास में बचा है सिर्फ एक मेन लीडर जिसका नाम है याया सिनवर, बाकी के जो भी टॉप लीडर्स थे, ज्यादातर उनके जो टॉप कमांडर्स थे, टॉप लीडर्स थे, उन लोगों को तकरीबन खत्म कर दिया गया है। उसमें भी खास करके जो इस्माइल हनिया था उसको इसराइल ईरान में जाकर खत्म किया था। तो उसी प्रकार से हाल में हमास के पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, और साथ ही में उनकी जो लीडरशिप है वो भी तकरीबन खत्म हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि याया सिनवर रिसेंट में जो साउथ गाजा में ऑपरेशन किए गए हैं खान यूनिस में, उसमें याया सिनवर भी मारा गया है, लेकिन अभी भी उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। IDF और इसराइल इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और साथ ही में उनके ऑपरेशन वहां पर कुछ हद तक चालू हैं। उसी के साथ नॉर्दर्न पार्ट में हिजबुल्ला के साथ भी ऑपरेशन उन लोगों ने फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। उन्होंने उसके पहले ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के पहले ऑलरेडी हिजबुल्ला की जो टॉप लीडरशिप है और मिडिल लेवल की जो लीडरशिप है, जो हायरार्की है, उसको तकरीबन खत्म कर दिया। बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत पहले पेजर ब्लास्ट किया, फिर वॉकी टॉकी, और अल्टीमेट प्रिसीजन स्ट्राइक और बंकर बॉम्ब का यूज करके उन्होंने हसन नसरल्ला यानी कि जो हिजबुल्ला का लीडर डायरेक्टिव देता था, कमांड देता था नीचे वाले प्यादों को, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। अभी भी लेबनन में कई सारी ऐसी जगह हैं, कई सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर हिजबुल्ला के कई सारे रॉकेट्स, मिसाइल्स और अन्य हथियार छुपे हुए हैं, तो उन लोगों के कॉन्स्टेंट ग्राउंड ऑपरेशन चालू हैं। कुछ हिजबुल्ला के ग्राउंड वर्कर्स हैं जो अभी भी वहां पर लेबनन में उपस्थित हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी ये लोग नॉर्दर्न एरोज के अंडर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक चालू है लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं दिखाया जा रहा है। साथ ही में जो हूतीज हैं उन लोगों के ऊपर भी टाइम बाय टाइम धीरे 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 करके उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले 11 महीनों के अंदर हूतीज ने यमन से यानी कि रेड सी के दूसरे छोर से सऊदी अरेबिया जॉर्डन को क्रॉस करके इसराइल में तकरीबन 230 रॉकेट्स
फायर किए। जी हाँ, ऑन एन एवरेज हर महीने तकरीबन 10 से 12 रॉकेट उन्होंने इसराइल के ऊपर फायर किए हैं। तो उसी के चलते 29 के ऊपर भी ऑपरेशंस उन्होंने धीरे धीरे करके शुरू किए हैं। अभी फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो भी संभवतः आने वाले समय में शुरू हो सकता है। लेकिन इसका जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली वो थोड़ा डिस्टेंट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि उनके अगेंस्ट ओवर्ट ऑपरेशन की जगह कोवर्ट ऑपरेशन ज्यादा हो, यानी कि गुप्त ऑपरेशन ज्यादा हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन ज्यादा हो। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से हुथीस के अगेंस्ट में इसराइल डेवलपमेंट करता है, किस तरह से उनको खत्म करता है। बात करते हैं ईरान की, तो अभी तक जो सिनेरियो था उसमें जब इसराइल ने हमास को तकरीबन खत्म कर दिया, यहां तक कि जब इस्माइल हनिया को खत्म कर दिया, तब भी ईरान सिर्फ बातें कर रहा था, सिर्फ बोल रहा था और प्रोपेगेंडा वीडियोस चला रहा था, जो अपने अपने व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर अकाउंट पर बार बार शेयर किए हैं किस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस आ रहे हैं ईरान से कॉन्स्टेंटली निकलकर। लेकिन अल्टीमेटली ये जो नसरल्लाह को खत्म किया है, जो कि वन ऑफ द मेन प्रॉक्सी ग्रुप था जिसके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियार अवेलेबल है, बहुत ही बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स अवेलेबल, उनको जिस तरह से इसराइल मोसाद ने खास करके जिस तरह से उनको मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिजिकली भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके चलते ईरान बहुत ही बड़े सदमे में आ गया है। तो उसी के चलते संभवतः उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से रिएक्ट किया जाए। और अल्टीमेटली आयतुल्ला खुमैनी की जो रिजीम है और IRGC, उसने हड़बड़ी में आकर दे प्ले इन द हैंड्स ऑफ इसराइल एंड USA। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली पिछले काफी लंबे समय से इसराइल और USA दोनों ही गतिविधियां इस प्रकार की कर रहे हैं मिडल ईस्ट, जिससे ये देखा जा सकता है कि वो लोग कॉन्स्टेंटली ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, उसको अपनी ग्रिप ले रहे थे। उसी के चलते धीरे 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 करके ईरान के जो पिट्टू थे, जो भी पपेट्स थे, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे, उनको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा था। अब ईरान के पास कोई भी प्रॉक्सीज वैसी नहीं बची हैं जिससे इसराइल के साथ वो एक प्रॉक्सी वॉर कर सके। तो उसी के चलते ईरान ने अब दे टुक द मैटर इनटू देयर ओन हैंड्स एंड दे हैव फायर्ड लॉट ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स लास्ट नाइट ऑन टू द इसराइल, ऑन टू टेल अवीव, नेगेव और दूसरे कई पार्ट्स में भी उन्होंने कई सारे रॉकेट और मिसाइल्स फायर किए हैं। यहां पर हम लोग बार बार USA का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, तो USA ने अपना जो सपोर्ट है इसराइल के लिए वो कॉन्स्टेंटली जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हमास के खिलाफ और बाद में हिजबुल्ला के खिलाफ, उन सभी समय USA ने अपना सपोर्ट दिखाया है, चाहे वो डिफेंस डिपार्टमेंट हो या स्टेट डिपार्टमेंट हो। और हाल में ये जो पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर ईरान ने अल्टीमेट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू या फिर ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के अंतर्गत ये जो मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर करके इसराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया है, जिसमें इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी कई जगहों पर नाकाम गुजरा है और कई सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स इसराइल की जमीन पर गिरे हैं और एक्सप्लोड भी हुए हैं। फॉर्चुनेटली वहां पर अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई है, एक पैलेस्टीनियन मरा है और 4 लोग जख्मी हुए हैं, इस तरह की बातें आई थी। लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर। तो इसी के चलते इसराइल अब बहुत ही डिटरमिंड है ईरान के ऊपर अल्टीमेटली हमला करने के लिए, और US मौका ढूंढ रहा था पिछले काफी लंबे समय ईरान को अपने काबू में करने के लिए और ईरान अफगानिस्तान की तरह तबाह करने के। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि USA की वो गतिविधियां थी मिडल ईस्ट पिछले काफी लंबे समय, जिसमें भले ही उन्होंने अफगानिस्तान से ट्रिप हटा दिए हो, लेकिन जॉर्डन में या फिर सीरिया में या फिर इराक में जिस तरह से उनके जो मिलिट्री बेस थे वहां पर पर्सनल आ जा रहे थे, वहां पर जो एयरक्राफ्ट थे वो आ जा रहे थे, और साथ में उनकी जो नेवी है उसको जिस तरह से प्लेस किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको जिस तरह से प्लेस किया गया है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी में, एक तरफ रेड सी में, और अल्टीमेट ईरान के ठीक नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, पर्शियन गल्फ के पास, उसके चलते ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती कि उन लोगों को ईरान की सिर्फ एक गलती का ही इंतजार। अब जैसे ही इसराइल युद्ध डिक्लेयर कर देता है ईरान के खिलाफ, वैसे ही एक तरफ से इसराइल थ्रू रॉकेट्स और F-35 ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देगा, और दूसरी तरफ से फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड US ईरान के ऊपर हमला बोल सकते।
ऐसा हम क्यों कह रहे थे? तो ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बन रहे हो, इस प्रकार की खबरें पिछले काफी सारे महीनों से कॉन्स्टेंटली आ रही। उसके ऊपर भी हमने एक दो वीडियोस बनाए थे जिसमें आईएईए की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने आपके साथ शेयर किया था, जो इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसकी भी जो रिपोर्ट है उनको भी आपके साथ साझा किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो रिपोर्ट भी है जिसमें हमने ये स्पष्ट बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जिस प्योरिटी वाला यूरेनियम चाहिए, जिस प्योरिटी वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहिए, उससे कई ज्यादा प्योरिटी वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ईरान ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है। तो उसी के चलते आईएईए के रिपोर्ट्स और अन्य कुछ एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने और न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने की दौड़ में लगा हुआ था। साथ ही में ईरान में बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स है। ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया तीसरे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हाल में ईरान में, और ईरान यूएसए के कंट्रोल में नहीं। और जैसे कि आप सबको पता है, जहां पर भी तेल मिलता है यूएसए वहां पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से हम पिछले काफी लंबे पिछले 10 महीनों से कॉन्स्टेंटली ये बता रहे हैं कि यूएसए ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। और रिसेंटली जो नेतन्याहू ने भी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था इरेनियंस कि इसराइल इरेनियंस के साथ है, इसराइल की लड़ाई इरेनियंस के साथ नहीं है, वे लोग इरेनियन रिजीम के साथ, आयतुल्ला खुमेनी की रिजीम के साथ लड़ रहे हैं, आईआरजीसी के साथ लड़ रहे हैं, और बहुत ही जल्द इरेनियंस उस डिक्टेटोरियल रिजीम से वे लोग आजाद कर देंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट रिसेंट इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। इसको भी हमने अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर और ट्विटर अकाउंट पर हमने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे ताकि आप जाकर सुन सकें कि वो एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने। तो इसी प्रकार से ईरान धीरे 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 करके इसराइल के ट्रैप में आ रहा था, जहां पर इसराइल, ईरान और इसराइल के बीच में जो भी बीच में हर्डल्स थे, जो भी बीच में बाधाएं थी डायरेक्ट युद्ध में आने से पहले, जिसमें हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, ये जो भी बाधाएं थी उनको हटाते जा रहा था फुल फ्लेश और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, ताकि डायरेक्टली वो ईरान के साथ जंग में उतर सके, डायरेक्टली वो इरानियन रिजीम के साथ, खमेनी की रिजीम के साथ, आईआरजीसी के साथ डायरेक्टली युद्ध में उतर सके और उन लोगों को ईरान से हटा सके, ताकि ईरान वापस एक नॉर्मल कंट्री बन सके, ना कि एक रेडिकल रिजीम वाला कंट्री बने। तो उसी के चलते ये पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। अब अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपने जो भी पड़ोसी हैं उसमें ज्यादातर लोगों के साथ दुश्मनी मोड भी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इनमें से ज्यादातर कंट्रीज ईरान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखती हैं। उनके रिश्ते या तो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं या फिर काफी ही टर्बुलेंट चल रहे हैं। तो उसी के चलते ईरान के साथ खड़ा रहने वाला हाल में ऐसा कोई भी नहीं है, एक रशिया है, एक चाइना है और इंडिया है। ये तीन कंट्रीज हैं जिसके रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे हैं, लेकिन इंडिया इसराइल और ईरान दोनों के साथ ही बैलेंस करेगा। तो इंडिया भी इस जंग में नहीं उतरेगा और इंडिया जंग के खिलाफ है, तो इसी वजह से वो इस पर्टिकुलर जंग में डायरेक्टली नहीं उतरेगा। बात रही चाइना की, तो चाइना के पास हाल में उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो भी हाल में ऑक्यूपाइड है साउथ चाइना सी में, और साथ ही में उसके इंटरनल इकोनॉमिकल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो उसी के चलते चाइना की साइड से भी मदद आना बहुत ही मुश्किल है। रही बात रशिया की, वो रशिया की साइड से रिसेंटली एक मिनिस्टर ने वहां पर ईरान में विजिट की थी, तो हो सकता है कि रशिया से ईरान को कुछ मदद मिले, ताकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और उसमें यूएस जो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है उसमें से यूएसए का ध्यान हटे और वो ईरान की ओर लगे, ताकि रशिया वहां पर यूक्रेन अपनी बात आगे बढ़ा सके। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि ईरान को रशिया का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। उसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड ऐसा कोई भी बड़ा कंट्री नहीं है हाल में जो ईरान के साथ खड़ा रहे। उसके जो भी प्रॉक्सीज थी उसमें से दो मेजर प्रॉक्सीज तबाह हो गई हैं नियरली फुल्ली। एक प्रॉक्सी है हुतीस, जिसको भी काउंटर करने के लिए इसराइल और यूएसए दोनों ही कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, तो उनको भी काउंटर किया जाएगा। साथ ही में सऊदी भी यहां पर कहीं ना कहीं अपना गेम खेल सकता है, ये भी एक अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। ये ज्यादातर मेनस्ट्रीम मीडिया में या कहीं पर भी ये डिस्कस नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारा खुद का अनुमान है कि कहीं ना कहीं संभव सऊदी भी
ये जो यमन में हुतीस का आतंक है जिसने पूरे रीजन को और रेड सी के ट्रेड रूट को, इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड रूट को जो डिस्टर्ब करके रखा है पिछले काफी लंबे समय से, उसके चलते संभव है कि सऊदी अरेबिया भी उन लोगों को काउंटर करने डायरेक्टली नहीं तो कोवर्टली कहीं ना कहीं इसराइल और यूएसए को सपोर्ट दे। उसी प्रकार से हुतीस को भी दबा दिया जाए और डायरेक्टली ईरान के साथ इसराइल और यूएसए आमने सामने आ जाएंगे। जैसे ही ये जंग पूरी तरह से फुल फ्लेज में आ जाती है, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं जो तैयार बैठे हैं, जिसमें यूके भी है जो तैयार बैठा है युद्ध में जाने के लिए, जंग में जाने के लिए, ताकि उन लोगों की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा और रैंप अप किया जा सके। तो इसी प्रकार से ईरान अब सभी तरह गिर गया है और ये जो हड़बड़ी में और ईगो में उन्होंने, खुमैनी की रिजीम ने और आईआरजीसी ने जो ये स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने कल रात को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू या फिर ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के अंतर्गत रॉकेट्स और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, चाहे वो टेलेवी में हो, नेगेव में हो, यरूशलेम में हो या कहीं पर भी, वो एक उनकी बहुत ही बड़ी गलती बनकर निकलने वाली है। और उसके चलते ईरान की जो हाल की रिजीम है वो बहुत ही जल्द सत्ता से हटने वाली है, इस प्रकार की संभावनाएं देखी जा रही है। ये हमारा मंतव्य है, हमारा एनालिसिस है, जो हम पिछले काफी लंबे समय से, जैसे कि हमने बताया पिछले 10 महीनों से कॉन्स्टेंटली हम लोग इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं और अलग अलग जो डेवलपमेंट्स हुए उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे रहे हैं, जाकर जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले किस तरह से धीरे 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 करके यूएसए और इसराइल ने ईरान को अपनी ग्रिप में जकड़ा है, ताकि आपको समझना है कि ये जो मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट हुआ है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं, बल्कि धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया गया है, धीरे धीरे करके जो आग है, जो आंच, उसको बढ़ाया गया है। तो इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में युद्ध अब एमिनेंट है, होने वाला है, कब होगा इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 24 घंटे से 48 घंटे बताए जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं ये जो मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, जो ईरान ने स्टेप्स लिए हैं, जो इसराइल स्टेप्स ले रहा है, और साथ ही में जो यूएस की पोजीशनिंग है, खास करके यूएस नेवी की जो पोजीशनिंग है, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फाइनेंस सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस हम लोग रेगुलरली आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।